हमजा प्लीज फोन उठा लेंगे, मेरा शिजा का होगा शायद, स्पीकर ऑन कर दे वहीं से। थैंक गॉड आप ही मेरी लाम सांग खुल गई, वरना आप हॉस्पिटल चली जाती मेरा तो पता नहीं क्या होता। काम क्या है मोहतरमा, डायरेक्ट मुद्दे पे आए। परेशानी ड्रेस है, कल रात तक तो आया नहीं था, शाम को क्या पहनूंगी मैं। हमजा रात को ही ले आए थे जिस वक्त सो रही थी आप। अपनी अलमारी के राइट साइड पे चेक करो, वहाँ पड़ा हुआ होगा। सच? मैं भी देखती हूँ। कहाँ पे? ओके वाओ, ये तो बहुत अच्छा लिखने वाला है मुझे। थैंक यू सो मच आप भी। लेकिन आप भी, मेरी हील्स का क्या होगा? तुम्हारे शू रैक के सबसे ऊपर वाली शेल्फ में पड़ी हैं, देख लो। क्या बात है, आपने तो सारे काम कर दिए मेरे। वाओ आप ही ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कलर है। थैंक यू सो मच। लेकिन ये सब तो ठीक है, मेरी ज्वेलरी का क्या होगा? ओ, ले ली है टेंशन की दुकान, ले ली है। जब तक मैं और तुम्हारी आप ही हैं, तुम्हें टेंशन की क्या जरूरत है? सर थैंक यू हमजा भाई, आप लोग नहीं होते ना मेरा तो पता नहीं क्या ही होता। लेकिन आप ही, आप शाम को जल्दी घर आ जाइएगा, आपको पता है ना आप ही मुझे रेडी करना है। कर दूंगी तैयार। वैसे आज मेरा इतना कोई लंबा काम नहीं है हॉस्पिटल में, हो सकता है मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ, तो शायद लंच तुम लोगों के साथ ही करूँगी। खुश हो आप? बहुत खुश। थैंक यू, खुदा हाफिज़। बाय। एक बजे तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा मैं। एक बजे कैसे, दो बजे तो मीटिंग नहीं है। क्या करूं, तुमसे और तुमसे जुड़े हर रिश्ते से इतनी मोहब्बत, जो यहाँ से सीधा जाऊंगा मम्मी जी की तरफ, सारे काम करने हैं। दुआ करो सारे काम खत्म हो जाए। डोंट वरी, हो जाएंगे सारे काम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, आई नीड दैट। अच्छा मैं निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही है, जब हॉस्पिटल से फ्री होने वाली होंगे ना तो कॉल कर दूंगी। यू कैरी ऑन विद योर डे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ये देख लेना याद से, ये जितनी लड़ियां लगी हुई है ना, आप भी सारी देख लेना, ये सेंटर में लगी होनी चाहिए, इनकी लाइन होना, और जब फ्लेक्स लगाओगे ना पीछे बैक साइड पे, तो ये क्रिस्टल का ख्याल रखना ये टूट ना जाए, हमेशा टूट जाती है ये। ठीक है? हाँ जी जी मम्मी जी। ये लो ये पियो, सुबह से काम किए जा रहे हो, थक गए होगे, एक मिनट के लिए नहीं रुकते, ये लो। थैंक यू सो मच। परी को लेने कब जा रहे हो? आपने जिक्र किया और उसकी कॉल आई, वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दिल को दिल से। अच्छा ये कहते हैं? वही कहते हैं। जी कब हाजिर हो गुलाम आपका, हुक्म कीजिए। बस हुक्म सिर्फ इतना सा है कि मैं निकल रही हूँ सानिया के साथ थोड़ी देर में। डॉक्टर परिजन एक केस आया, एक्सीडेंट केस, और हालत बहुत क्रिटिकल है, और डॉक्टर सिकंदर ने आपका ऑपरेशन थिएटर में कॉल की है। मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। ओके हमजा मुझे जाना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी केस आ गया है। को संभाल लेना। ओके अब ये ना कह देना कि उसके कोई इमरजेंसी केस आ गया है, प्लीज। पी लेना ये। अम्मी अगर इस ड्रेस के साथ मैं ये पहनूं तो कैसा लगेगा? अरे ज्वेलरी तो परी लेकर आ रही है ना, तो फिर तुमने ये सामान क्यों पहना के रखा हुआ है? अम्मी आप ही को तो रहने ही दें आप। क्यों क्यों रहने दो? वाह भाई वाह, सारा शादी का इंतजाम तो उन दोनों ने किया है, कोई बात है ये?
शादी के इंतजाम किया, इसका ये मतलब नहीं खुद मेहमानों की तरह शरीक हूँ। मायू खत्म होने से पहले आ जाए बड़ी बात। शिशा आई नहीं आपकी परी अभी तक? आपको इतनी शिद्दत से इंतजार था तो पहले ही बता देती, आप ही सुबह ही आ जाती। तमीज से बात करना तो तुमने सीखा ही नहीं। कोई बात नहीं, ससुराल वाले सिखा देंगे। भाभी दूसरों पे उंगली उठाने से पहले इंसान अपने गिरे बाल में झांक लेते हैं ना? नहीं, अपने गिरे बाल में झांकने का मशवरा सब लोग दूसरों को ही देते हैं, जैसे खुद के लिए सारे फरिश्ते। शुजा बेटा, खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं करते। अम्मी वो डेकोरेशन वाले आए, वो पूछ रहे हैं कि फूल कहाँ लगाने हैं। क्यों, शरिया कहाँ है? वो तो अभी तक नहीं आए। ठीक है बेटा, तो फिर तुम जाके बता दो कहाँ लगाएं। जी। देखा आपने कैसे तंजिया मुस्कुरा के गई हैं। जैसा बेटा, इसकी वजह से तुम क्यों अपना मूड और खुशी को बर्बाद कर रही हो? इग्नोर करना सीखो इसे। अच्छा वो दो, कहाँ गए वो? अच्छा चले छोड़ें, ये बताएं ये वाला नेकलेस अच्छा लगेगा या मैं सोच रही हूँ इसके साथ ये वाला सेट पहन लेती हूँ, ये ज्यादा कूल लगेगा। नहीं मैं तो सब चीज अच्छी लगती रही जान, तू प्यारी जो। तो कब आए? अभी। बहुत अच्छा किया अगर। मैं इतनी स्ट्रेस थी अभी, इतनी स्ट्रेस थी, तो मैं देखते ही मुझे से लग रहा है मेरा सारा स्ट्रेस चला गया। कैसा स्ट्रेस? जिस पेशेंट के साथ मैं थी ना अभी, वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत सिवियर एक्सीडेंट हुआ उसका। वी ट्राइंग आवर बेस्ट। देखो अच्छा, बाकी बातें बाद में, पहले तुम कुछ खा लो। आई नो तुमने कुछ खाया नहीं होगा। आई नो मैं बहुत प्यारा हूँ, लेकिन इस वक्त अपना फोकस मेरे बजाय सैंडविच की तरफ करो, सो प्लीज स्टॉप। आप पे से मेरा फोकस हटे तो मैं किसी और चीज पे करूँ ना, आ जाते मुझे डिस्ट्रैक्ट करने मेरी काम की जगह पे भी। एंड डोंट वरी, खुद पर से तुम्हारा फोकस हटने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा ना? हो जाएगा ठीक। आप बैठे प्लीज। देखिए मेरे बेटे को ठीक कर दे आप, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। आप पानी पिए प्लीज। बस आप मेरा बेटा ठीक कर दे, अल्लाह पाक आपको इसका बहुत अजर देगा। हम सब अपनी पूरी कोशिश करें, अगर अल्लाह मियां ने चाहा ठीक हो जाएगा। आप दुआ करें ना, बल्कि ऐसा करें आप ये भी खाएं। मैं देख रही हूँ आप सुबह से इधर घूम रही हैं, आपने कुछ खाया हुआ नहीं, आप खाएं, हौसला रखें ना प्लीज। नहीं मैं ये कुछ भी नहीं खाऊंगी, बस आप मेरा बेटा ठीक कर दे। हम सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। आप प्लीज पानी तो पिए ना, पानी पिए प्लीज। जी मम्मी जी, हम बस निकल रहे हैं जी। ओह माय गॉड, कोई इतना खूबसूरत लग रहा है कि सीधा दिल में उतर रहा है। अच्छा है कि दिल में ही उतर रही हूं, दिल से नहीं उतर रही। एक मिनट जरा चेक करना क्या हुआ। आज भी तुम्हें देखकर कितनी जोर जोर से धड़कता है। शिजा की कॉल आ रही है, उसने फोन में से निकल के मारना है हमें। अब निकल। एक सेकंड। अब क्या है? दिल कर रहा तुम्हें यहीं खड़े देखता रहूं बस, और तब तक देखता रहूं जब तक जी ना भर जाए, और तुम्हें देखने से जी भर जाए ऐसा मेरी चलती सांसों में तो मुमकिन नहीं। हाँ अगर सांसें बंद हो जाए तो। फजूल बातें करना बहुत जरूरी है? नहीं करता, सॉरी। नाराज तो मत हो प्लीज। हो सकती हूँ नाराज, अब चले प्लीज। चलो
सॉरी हम लोग थोड़े से लेट हो गए। सॉरी वरी कुछ नहीं, चलो जोश रख देखो जाके तुम। लो आ गई डॉक्टर बेटी। अभी ने मैं और आप कहाँ दिखेंगे, जल्दी करो मैं देख के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे हमजा। जी मम्मी जी। अरे बेटा मैं तो भूल ही गई थी, वो मिठाई और फूल वगैरह वो सब मैं ले आया हूँ, गाड़ी में पड़े हैं, अभी ले आता हूँ। अरे बेटा जीते रहो, खुश रहो हमेशा। हो तो तुम दामाद लेकिन बेटों से बढ़कर संभाला हुआ है तुमने। से ना कहा करे। क्यों ना कहा करूं, ना मैं पहले कभी सच कहने से झिझकी हूं ना अब झिझकूंगी। जो बात है सबके सामने कहनी चाहिए। अच्छा जाओ तुम लेकर आओ। शिजु मिजु इतनी प्यारी लग रही हो। मैंने कहा था ना कि ये हेयर स्टाइल सूट करेगा। आखिर तैयार किसने किया है। थैंक यू। वाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रही है हमारी प्रिंसेस। दिखाएं। वाह हमजा भाई क्या बात है, आप तो फौरन ही पीछे आगे रहा नहीं गया ना आपसे आप ही के बगैर। क्या करूं दिल के हाथों मजबूर हूं। ये आंखें ये दिल इनसे दूरी बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। हाँ आप ही ऐसा भी क्या घोल के पिलाया आपने, मुझे भी टिप दे दे। अरे इससे क्या मांग रही हूँ, मुझसे पूछो तुम टिप। पूछो क्या, खुद बताते हुए बिल आता है आपको। हाँ नीचे करना। ओहो लव बर्ड्स। हमजा भाई आपसे मैंने टिप मांगी और आप ही को देखने लग गए। ऐसा पूछो तो इसमें इनका कोई कमाल नहीं है। ये तो कमबख्त मैं ही दिल हार बैठा इन पर। वाह आपने तो किस्सा ही खत्म कर दिया, क्या बात है। बातें सुनी इनकी, बाकी मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं। हमजा। ओह मेरा बुलावा आ गया, आप लोग प्लीज जल्दी से नीचे आइए। ओके वैसे आप ही एक बात कहूं, आप बहुत लकी हैं कि हमजा भाई जैसे हस्बैंड मिले आपको। बिलाल तुम देखना इनसे भी अच्छा होगा, इनसे ज्यादा प्यार करेगा तुम। इंशाल्लाह वो तो होगा, आई नो। डॉक्टर साहब सब खैरियत तो है ना, क्या हुआ ऐसे।
रस्म के लिए है तो बेटा, लेकिन एक्ट ऐसे करता है जैसे नखरे वाला कोई दम आता। अच्छा प्रमोट करा दो, हम जाके बैठे मैं देख के आता। भाई भाभी आप लोग इतनी दूर बैठे हुए क्या कर रहे हैं? वहां आए ना रस्मों के लिए। आ गई याद भाई और भाभी की। दिखावा है सब, दुनिया को दिखाने के लिए हमें वहाँ बुलाया जा रहा है, वरना ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है हमारी वहाँ पर। ये क्या बात कर दी आपने भाई, दुल्हन के बड़े भाई और भाभी के रस्म के बगैर तकरीब कैसे हो सकती है? प्लीज आइए ना। नहीं हमजा, आप मुझे वैसे ही रश में नहीं जाना, मैं यही ठीक हूँ। तुम जाओ रस्म करवाओ। आपके बगैर मैं कैसे जा सकती? ना आपको इनके बगैर जाने की जरूरत है और ना आप यहाँ बैठेंगे। आप लोग आइए प्लीज। हमजा अच्छा सिर्फ मिठाई खिला दीजिए, आइए ना प्लीज। आइए भाई, कम ऑन भाभी। थैंक यू, चलो प्लीज। थैंक यू। अपने पास रखो ये अजनबियों वाला थैंक्स। छोटी बहन है मेरी शिजा, और मेरे होते हुए कोई उसकी खुशी खराब करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। But oh my God! What happened? क्या गजब ढा रही हो? मौका ही नहीं मिला मुझे तुम्हें बताने का। सही सच देख रहे हैं? तो देख लो ना, मुझे किसी की परवाह? मुझे है ना। चलिए आजकल की लड़कियों में तो कोई शर्म बची ही नहीं है, ना जगह देखती है ना मौका। एक हमारा शौहर है जो हमें देखता भी नहीं, और इनका देखो प्यार खत्म ही नहीं हो रहा है। हमजा भाई क्या कर रहे हैं आप? दोस्त है मेरे। दोस्त है तो समझाओ इसे, फैमिली फंक्शन पे इस तरह की छिछोरी हरकतें नहीं करते। दोस्त ऐसे तो तुम भी ऐसे ही होगे। हमें नहीं करनी शादी। क्या कह रहा हमजा बेटा? किस किस्म के बेहूदा और छिछोरे दोस्त है तुम्हारे, ये देखो। की औकात ही नहीं है कि फैमिली इवेंट्स में बुलाया जाए। मेरी बात तो सुने। चुप करो। खरग हो जाओ यहाँ से। मैं इन लोगों की तरफ से आपसे माजरा चाहती हूँ। माजरा तो करनी चाहिए आपको। मम्मी जी आप पर है, मुझे ये हमारी शिजा के लिए ठीक नहीं लग रहा। क्या हो क्या गया तुम्हें? क्यों माइयों वाली रात को शादी तुड़वाने पर तुले हुए? तो मेरी बीवी की तरफ कोई मैली आंख उठा कर देखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आंटी I'm really sorry, क्योंकि हमजा फरीसा के मामले को ज्यादा ही पजेसिव है, इसलिए फरीसा जी हमजा को तुम अपने लफ्जों में समझाओ। माना कि बहुत प्यार करता है तुमसे, पर ऐसी भी क्या दीवानगी हुई कि सामने कुछ नजर ही ना। अभी थोड़ी देर में शिजा की शादी हमजा की पजेसिवनेस की नजर होने वाली थी।
अल्लाह ना करे भाभी ऐसा कुछ भी हो। ये दुआएं सिर्फ शिजा के लिए नहीं, अपने लिए भी मांग लिया था। ये जो हमजा की मोहब्बत का उबाल है ना, ये बहुत जल्द ठंडा पड़ जाएगा। भाभी जो औरत औलाद ना दे सके, मर्द उसे बहुत जल्दी उकता जाता है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बीवी से उकता जाए। ऐसे मर्दों में मेरा शुमार करके आप मेरे प्यार की और मेरी तोहीन कर दी। भाभी से प्यार के लिए तो मुझे ये जिंदगी भी कम लगती। मेरा प्यार इसके लिए अनकंडीशनल है, प्योर है। फिर हालात चाहे जैसे भी हो, ये हाथ और परी का साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। घर चलो। मेरा फोन अपने कमरे में मिले आप। इसे क्या हुआ है नर्स? डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर ठीक है? ब्लड प्रेशर बहुत लो है डॉक्टर, ये चेक करते हैं। थर्टी मिस्ड कॉल्स किसकी? डॉक्टर मारिया की है। इसके मैसेज डॉक्टर परिसा, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, प्लीज आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। मुझे हॉस्पिटल जाना होगा अभी फौरन। चलो लेट्स गो। वो मिठाई खाई आज तुमने? अम्मी आप कहाँ जा रहे हैं? परी हमजा कहाँ जा रहे हो तुम? क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? हुआ कुछ भी नहीं है अम्मी, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई है, जाना पड़ेगा। आपको फोन पे बाद में बताते हैं, अभी जरा अर्जेंट है। क्या हमजा? आप घबराइए नहीं मम्मी जी, नाराज होके नहीं जा रहे, उसे वाकई हॉस्पिटल जाना है। आप जाइए। सर बेटा बेटा करते आपकी जुबान नहीं थकती थी, और जरा सी देर में उसने बेटे से दामाद बनकर दिखा दिया ना आपको। हमजा भाई ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। क्या ठीक किया? तुम्हारी शादी टूट जाती उसकी वजह से। छोड़े शहर यार, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं, इनको वैसे भी हमजा के अलावा कोई नजर ही कहाँ आता। सही कहा आपने भाभी, हमजा भाई मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर है। देख रहे हैं आपकी और मेरी इज्जत तो इसने कभी की ही नहीं, और आज तो इसने रिश्ते भी बदल डाले।
माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन रिश्ते तो उसी दिन ही बदल गए थे जिस दिन भाई ने आपसे शादी करके हमसे नजरें फेर ली थी। अपनी हद में रहो शिजा। शिजा बेटा, भाई मुझे अपनी हद अच्छे से याद है, लेकिन भाभी अक्सर अपनी लिमिट्स भूल जाती हैं। शिजा क्या कर रहे हो शहरयार? एक दिन की मेहमान है इस घर में, हाथ उठाओगे उस पर? आपको इसकी बदतमीजी नजर नहीं आ रही? शहरयार इन्हें कुछ नजर नहीं आएगा। चल। होते हैं भाई। वालेकुम सलाम शिजा। शिजा मैं आज के हादसे को लेकर बहुत एम्बैरस्ड हूँ। मेरे लिए फैमिली वैल्यूज जान से भी ज़्यादा अहमियत रखती है। अपनी इज्जत के लिए मैं जान ले भी सकता हूँ और वक्त आने पर जान दे भी सकता हूँ। मुझे बस समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने दोस्तों के लिए कैसे अपोलोजाइज करूँ। आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिजा आप रो रही हैं, नहीं तो? देखें शहजाद, हमारी मंगनी को बहुत थोड़ी देर हुई है और इस ड्यूरेशन के दौरान मैं आपसे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाया। शायद इसलिए आपको मेरी पर्सनालिटी का अंदाज़ा नहीं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा शहजाद, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब चाहे वो मजाक में क्यों ना कहा जा रहा, वैसे तो हमारी शादी अरेंज्ड है, लेकिन आप मुझे अच्छी लगने लग गई हैं। वैसे तो मैं काफी सूट पसंद आते हैं, इसलिए सोचा था कि शादी के बाद अपने फीलिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज के इंसिडेंट ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन जिस तरह हमजा भाई ने शादी तोड़ने की बात की थी, मैं डर सा गया था। डर गया था कि शायद आपको खो ना दूं। लेकिन थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। आप कुछ कहेंगी नहीं शिजा? कभी कभी सुनना बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? कुछ नहीं, बस थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिजा। मुझे ये बताओ, हमारे निकलने के बाद भाई ने कोई इशू तो नहीं किया? कोई मसला तो नहीं हुआ? भाई को छोड़े, आप ये बताएं कि आप अभी घर आ सकती हैं, मुझे आपको कुछ बताना है। वो क्या है ना, जब तक आपसे शेयर ना करूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। नहीं नहीं प्लीज शिजा, इस वक्त नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। कल कसम से, बल्कि सुबह आती हूँ। आप ऐसा करें, स्पीकर ऑन करें। हैं,
हमजा भाई, आपको इस वक्त घर आने में कोई इशू है क्या? अरे कैसा इशू साली साहिबा, आप बोलेंगी तो हम नींद छोड़कर आ जाएंगे। तो फिर अभी इसी वक्त आप ही को मेरे सामने हाजिर करें। जो हुक्म आपका भाई, मेरे होते हुए तुम्हारी कोई विश पूरी ना हो ऐसा हो सके। थैंक यू, मैं वेट कर रही हूँ। तौबा है, बटरिंग करना तो कोई आपसे सीखे। वैसे इतनी बटरिंग क्यों करते हैं आप? अब तो शादी हो गई हमारी। बटरिंग नहीं है ये बटरिंग नहीं है, ये मेरी मोहब्बत है लड़की। अरे मेरी मोहब्बत की कदर करो। अच्छा जी। Yes. तो फिर अब हम वहां जा रहे हैं। Yes, indeed. Oh, damn it. क्या हुआ? टायर बस्ट हो गया लगता। We'll just wait in the car, okay? मैं देख। Oh, damn it. टायर फ्लैट है, बैठो गाड़ी में। बचा क्यों रही हो, घर लेके जाना है? मैं फेंको, फेंको। बस ओके। okay.